जिस पुष्कर ने राक्षसों की वीडियो वायरल करी थी, वो स्वामी भूषण के साथ उनकी कुटिया में बैठा हुआ था। वो कुटिया शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर थी। पुष्कर ने स्वामी जी की ओर देखा और पूछा, आपने भी किसी दानव को देखा है? देखा तो नहीं, पर मुझे पता है कि दानव हमारे बीच ही कहीं है। मैंने दानव को तो नहीं, पर एक दिव्य ताकत को जरूर देखा है। आज से कई सालों पहले मैं अपने आश्रम से दूर ध्यान के लिए गया था। तब मैंने 15 साल के एक बच्चे को एक मुक्के से पेड़ तोड़ते हुए देखा था। उस बच्चे को एक विद्वान साधु उसकी ताकतों का अभ्यास करा रहा था। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि विजय देव थे, एक ऐसे विद्वान जो देवों को अपनी शक्तियों का उपयोग करना सिखाते थे। और वो विजय देव अभी कहाँ हैं? मैंने जब आखिरी बार उनका पीछा किया था तब वो सलहेर के पहाड़ों में थे। ये कहकर स्वामी भूषण अपनी कुटिया के बाहर बैठकर ध्यान करने लगे। पुष्कर उनके पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ जवाब नहीं देते, इसलिए पुष्कर वहां से अपना बैग लेकर चला गया। और यहां आयशा आश्रम के प्रांगण के पास एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अरमान कुछ ना कुछ सोचते हुए वही चहलकदमी कर रहा था। शापिका और अभिलाषा प्रांगण में दूर से उन्हें देख रहे थे। अभिलाषा से अरमान की परेशानी देखी नहीं जा रही थी, पर वो भी मजबूर थी। अरमान को परेशान देख आयशा ने कहा, अरमान थोड़ा शांत होने की कोशिश करो। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। इसी बीच अभिलाषा और शापिका वहां आ गए और अभिलाषा ने अरमान की ओर देखा और कहा, अरमान मेरे पास कोई उपाय तो नहीं, लेकिन एक सुझाव है। मुझे लगता है कि किसी दानव के पास इस चीज का जवाब नहीं, पर शायद किसी देव के पास इसका जवाब जरूर होगा। यह सुनकर आयशा ने पूछा, पर किस देव के पास? यह सुनकर अभिलाषा और अरमान एक साथ बोल पड़े, विजय देव। विजय देव? आयशा ने पूछा। हां, मेरे गुरु, अरमान ने कहा। अरमान आयशा के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, किसी के पास इस चीज का जवाब हो या ना हो, लेकिन उनके पास तो इसका जवाब होना ही चाहिए। उन्होंने औषधियों के मामले में सिद्धि हासिल की है, या तुम उन्हें मेडिकल जीनियस भी कह सकती हो। उन्होंने काफी सारे देवों को जंग के बाद ठीक करने के लिए असरदार दवाइयां बनाई हैं। मुझे लगता है वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। पर वो अभी कहां होंगे? आयशा ने पूछा। सलहेर के जंगलों में, अरमान ने कहा। अरमान ने अपना दिव्य खड़ग उठाया और वो आयशा को लेके गायब होने ही वाला था, तभी अभिलाषा ने कहा, रुको, मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है अपनी इन दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करने का। हर जगह उस वीडियो की वजह से धूम मची हुई है। अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो हमारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। अभी के लिए इंसानों की तरह जाना ज्यादा अच्छा है। ये सुनते ही अरमान ने कहा, हाँ आपकी बात तो सही है। और एक काम करो, शापिका को भी अपने साथ ले जाओ। पर अरमान ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं माँ, अगर यहां कुछ हुआ तो आपके साथ भी तो कोई चाहिए। ठीक है। एक राक्षसी अंदर से 2 बैग्स लेकर आई और उसने वो दोनों बैग्स अरमान को दिए। अरमान और आयशा बैग्स लेकर वहां से चले गए। उनके जाते ही अभिलाषा ने शापिका को उनका पीछा करने का इशारा किया। शापिका अपना इंसानों वाला भेस बनाकर उनका पीछा करने लगी। और यहां दूसरी तरफ कालराज गुस्से में अपने घर की हर चीज को तोड़ रहा था। बुआ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, ये कैसे मुमकिन है? पिछले 3 दिन से हम सब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका नामो निशान नहीं है। और तुम्हें पता है, किसी ने मेरे और आयशा के बीच जो दिव्य संपर्क की कड़ी थी उसे तोड़ दिया है। पर ये किसने किया होगा? मुझे नहीं लगता कि अरमान या आयशा को इसके बारे में पता था, बुआ ने कहा। यही तो पता लगाना है कि ये काम किसका है। अगर वो पता चल जाए तो आयशा मिल जाएगी। बुआ और कालराज ये बातें कर ही रहे थे, तभी एक दानव वहां आया और उसने कालराज से कहा, आपसे कोई मिलने आया है। कालराज उसे मिलने गया।
अरमान और आयशा एक गवर्नमेंट बस में बैठे हुए थे। आयशा बस की खिड़की के पास बैठी हुई थी, अरमान उसके कंधे पर सर रखे सोया हुआ था। आयशा ने अरमान की ओर देखा और वो उसे देखकर उनके कॉलेज के दिन याद करने लगी। उसने अरमान के हाथ में अपना हाथ रखा और मुस्कुराने लगी। तभी अचानक से उसकी सांसें तेज होने लगी, उसे पसीना आने लगा, उसकी आंखें लाल होने लगी और उसके दांत बाहर आने लगे। अरमान की रगों में बह रहा गर्म खून उसे पागल कर रहा था। उसने अरमान का खून पीने के लिए अपना मुंह उसके सर की ओर बढ़ाया। वो अरमान का खून पीने ही वाली होती है कि तभी बस ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और अरमान जग गया। आयशा फिर से नॉर्मल हो गई। वो बुरी तरह अपने विचारों में खो गई थी। कंडक्टर ने आगे से आवाज लगाई, सलहेर। अरमान सामान लेकर खड़ा हुआ पर आयशा वहीं बैठी रही। अरमान ने उसे बुलाया पर वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी, बस अपने विचारों में खोई हुई थी। फिर अरमान ने उसके कंधे पर जब हाथ रखा तब वो अपने ख्यालों से बाहर आई और सीधा बस के बाहर जाने लगी। बस से नीचे उतरकर अरमान ने उससे पूछा, कुछ हुआ है तुम्हें? नहीं, मैं बस थकी हुई हूं, ये कहकर आयशा चलने लगी। वो दोनों जंगल के अंदर जाने लगे। उनके वहां से जाते ही दूसरी बस आई और उस बस में से पुष्कर निकला और वो भी जंगल की ओर बढ़ा। आयशा और अरमान काफी देर से चल रहे थे पर उन्हें विजय देव कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आयशा ने अरमान से कहा, मुझे लगता है कि यही सही समय है तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल करने का। ये सुनते ही अरमान हंसने लगा और कहा, काश उन्हें ढूंढना इतना आसान होता। तभी एक बड़ा खड़ग आयशा की ओर आया पर अरमान ने उसे अपने हाथों से रोक दिया और फिर अरमान ने कहा, गुरुजी, ये मैं हूं अरमान। ये सुनते ही विजय देव एक पेड़ के पीछे से उनके सामने आए। मैं जानता हूं कि ये तुम हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो राक्षसी है मैंने उस पर खड़क फेंका था। पर गुरुजी, वो मेरे साथ है, आयशा नाम है इसका, और यही, गुरुजी ने अरमान की बात काटते हुए कहा, और यही है जो दिव्य जीव को जन्म देने वाली है। मैं जानता हूं लेकिन ये एक राक्षसी है, इसकी तकदीर है इसके द्वारा दिव्य जीव का जन्म हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सुनकर आयशा और अरमान दोनों को थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन अरमान ने अपने गुस्से को काबू कर उनसे श्राप के बारे में पूरी बात की। अगर आयशा दिव्य जीव को जन्म देगी तो उसे मरना पड़ेगा। ये सुनकर विजय देव खुश हो गए और उसने अरमान से कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? अरे, हमें तो उस शख्स का आभार मानना चाहिए जिसने इसे ये श्राप दिया है। इससे हमें ही फायदा है कि दिव्य जीव के जन्म से ही इसकी मौत हो जाएगी। गुरुजी, श्राप इसे नहीं मिला, लेकिन दिव्य जीव को बचाने के लिए ये अपने प्राण की कुर्बानी देने को तैयार हो गई है। मैं नहीं चाहता कि ये अपनी कुर्बानी दे, इसको भी जीने का पूरा हक है। क्यों बचाना चाहते हो इसे? वो मैं दरअसल इससे, अच्छा, तो अब समझा, तुम इससे प्यार करने लगे हो, एक राक्षसी से, अपने बाप की तरह। वो भी तुम्हारी ही तरह कमजोर दिल का था। पता है अरमान, तुम्हें बचपन से पालकर बड़ा किया है और हमेशा तुम्हें यही सिखाने की कोशिश की कि तुम दिल से नहीं दिमाग से सोचो, पर तुम अपने बाप पर गए हो। तुम्हारे हाथ भले मजबूत हो लेकिन तुम्हारा दिल कमजोर है। जरा ध्यान से सोचो, तुम्हारा मकसद दिव्य जीव के जन्म में योगदान का था, ना कि एक राक्षसी से प्यार करने का। गुरुजी, मैं आपको मानता हूं इसलिए कुछ नहीं कह रहा, और हाँ, ये बात भी सच है कि मैं इससे प्यार करता हूं और मेरा मकसद दुनिया में शांति बनाए रखना है। देखो अरमान, तुम कोरी भावुकता के शिकार हो बस, और हमारी जंग में इन भावुकता की कोई जगह नहीं। सोचो, अगर दिव्य जीव के जन्म के बाद इसने दिव्य जीव को भड़का दिया, या अपने साथियों से मिलकर दिव्य जीव को अपनी ओर कर लिया, या यही आगे जाके कालकेय वंश को बचाने कूद पड़ी, तो हमारे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए इसका मरना जरूरी है। मैं ये बात नहीं मानता गुरुजी, आयशा भी दुनिया में शांति कायम करना चाहती है,
और अगर वो चाहती तो खुद भागकर दिव्य जीव को मार सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई रास्ता बताएं जिससे मैं इसे बचा सकूं। देखो अरमान, मुझे कोई रास्ता मालूम नहीं है, और अगर होता भी तो मैं इस राक्षसी को नहीं बचाता। बहुत हुआ, आपने बहुत बेइज्जती कर ली, पर अब और नहीं। मैं बस ये जानता हूं कि मुझे आपकी तरह कठोर नहीं बनना। ये कहकर अरमान ने अपनी जेब से एक विष की छोटी शीशी निकाली और आयशा के मुंह के पास रखकर कहा, गुरुजी, ये कोई आम विष नहीं है। इसके अंदर जाते ही आयशा तो जिंदा रहेगी, पर वो बच्चा नहीं। अगर आप दिव्य जीव को बचाना चाहते हैं तो अभी के अभी मुझे आयशा को बचाने का रास्ता बताओ। विजयदेव गुस्से में बोल पड़ा, अरमान, पागल हो गए हो? जरा सोचो, तुम किस चीज की मांग कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता, पर अगर मेरे 10 गिनने तक आपने मुझे नहीं बताया तो मैं ये विष आयशा को पिला दूंगा। 1, 2, 3, 4, देखो अरमान, 5, अरमान, 6, ठीक है, मैं बताता हूं। पहले वो विष की शीशी उससे दूर रखो। देखो, मैं पूरा तरीका तो नहीं जानता, और मेरा विश्वास करो, लेकिन शायद आधे रास्ते तक मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूं। और यहां दूसरी तरफ पुष्कर जंगल में आगे बढ़ते हुए अरमान, आयशा और गुरुजी के तरफ आ गया। आते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरने से उसका कैमरा टूट गया, पर उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वो उन आवाजों को सुनते हुए आगे बढ़ा और अरमान, आयशा और गुरुजी जहां थे वहां पहुंच गया। वो पेड़ के पीछे छुप के उन्हें देख रहा था। अरमान ने विष की शीशी आयशा के मुंह से दूर हटाई और कहा, बताइए मुझे। विजयदेव ने अपने हाथों का खड़ग नीचे रखा और कहा, समुद्र मंथन के बाद जब दानवों से अमृत चुरा के देवों के पास उसे लाया जा रहा था, तब एक देव था जिसने भविष्य के लिए कुछ अमृत एक दिव्य मटके में भर लिया। मुझे लगता है कि वो अमृत ही है जो शायद आयशा की मदद कर सकता है। और किस देव ने ये किया था? राजन देव। उसे हमेशा से हर चीज की लालसा थी, इसलिए उसने अमृत भी अपने लिए बचा के रखा। और कहां मिलेंगे ये राजन देव? देवों के साथ ही। तुम जैसे दूसरे देवों को बुलाते हो, उसी तरह उसे भी याद करके बुला सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अमृत देगा। अरमान ने आयशा की ओर देखा, दोनों मुस्कुराए और वहां से चलने लगे। पुष्कर ये सारी बातें जान दंग रह गया। कैमरा टूट जाने की वजह से वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर उसने अपने मोबाइल में उस चीज का वीडियो ले लिया। वो वीडियो को बार बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, पर नेटवर्क ना होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसे एक बड़ा राज मालूम चला। उसी खुशी को याद कर वो अरमान और आयशा का पीछा करने लगा। विजयदेव ने दूर से चिल्लाते हुए कहा, अरमान, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पर अरमान और आयशा उनकी बात टालते हुए वहां से चलने लगे। क्या अरमान आयशा को बचा पाएगा? क्या राजन देव अमृत के बारे में अरमान को बता पाएगा? और पुष्कर अमृत के बारे में जान के आगे क्या करेगा? क्या वो इन सब के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड फन हाउस।